किसान भाई, अगर आप डेयरी फार्म करते हैं तो आज आपको हम बहुत ही अहम चीज़ दिखा रहे हैं, क्योंकि सर के हाथ में जो आप ये देख रहे हैं ये एक ऐप है फार्म ट्री नाम से, और जो सर का डेयरी फार्म है पूरा डाटा इस एप्लीकेशन में रहता है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सर इसके बारे में समझाएं, सबसे पहले तो उसका नाम बताएं और ये आपको किस काम में आप इसको ले रहे हैं। सर मेरा नाम विवेक वाधवा है और मैं सिकंदराबाद बुलंदशहर में, हमारा डेयरी फार्म है। ये फार्म ट्री नाम की ऐप है जिसमें फार्म मैनेजमेंट का हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारे फार्म पे 70 गायें हैं, तो इस पूरे ऐप में ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। तो आप जैसे डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं, काव्स हैं, हीफर्स हैं, मिल्किंग एनिमल्स हैं, बुल हैं, और उनको किस किस को इंसेमिनेशन हो गया, कौन सी प्रेग्नेंट है, किस में इशू है, वो सारी डिटेल आ जाती है। तो इसमें जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक एक गाय की एंट्री होती है। जैसे आप अगर कैटल बोर्ड नाम का एक है, इसमें ये हमारी सारी गायों और बछड़ों और बुल की एंट्रीज हैं। तो इसमें एंट्री करना बहुत ही आसान है। ये आपके पास चार ऑप्शन आते हैं और इसमें आपके पास जो भी गाय हैं या जो भी पशु है उसकी आप शेड के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हैं जो आप एक किसी भी जानवर के लिए इसमें भर सकते हैं। इसको और किस किस काम में ले सकते हैं, मतलब ब्रीडिंग में और फीडिंग में भी कुछ काम आता है? जी जी, तो जैसे आप इसमें ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें डैशबोर्ड है जिसमें आपके पूरे फार्म की स्थिति दिख जाएगी, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी है आपके फार्म पे क्या होने वाला है, किसी गाय को हीट आने वाली है, किसी की प्रेगनेंसी चेक करनी है या किसी का ड्राई करना है, वो सारी डिटेल आ जाती हैं। उसके बाद आप कैटल रजिस्टर तो कर ही सकते हैं, आप प्रेगनेंसी की रिकॉर्डिंग, इंसेमिनेशन की, दूध की, आप जानवरों को क्या खिला रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन क्या कर रहे हैं, डिवर्मिंग और सारी डिटेल इंक्लूडिंग फैट, SNF, सेल्स और एक्सपेंसेस सब आ सकता है। मतलब ये पूरा कंप्लीट ऐप है जिसमें आप उस फार्म पे क्या कर रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए फार्म पे, वो सारी डिटेल आ सकती हैं। एक बार दिखाना आपको, इसका वो दिखाना लोगों को किस तरह का है इसका। जी, जो किसान भाई इसको यूज़ करना चाहिए। ये फार्म ट्री ऐप का मेन पेज है, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि, और बहुत ही आसान चीज़ है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है ये वर्जन। तो हमारे किसान भाइयों के लिए जो सहूलियत हो उस हिसाब से वो इसमें एंट्री कर सकते हैं और इस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सर ये सिर्फ मोबाइल में चलती है या कंप्यूटर में भी चलती है? सर ये आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल तीनों में चल जाता है। अच्छा, मतलब, और इसको सर, मतलब फिर इसका फ़ायदा क्या मिलता है किसान को डाटा रखने का? जी सर, देखिए डेयरी फार्म चलाने में एक बहुत अहमियत रखता है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि याद रहता नहीं है। जी, क्योंकि जो भी सारे लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं आप किसी रजिस्टर पे कोई ना कोई डेटा लिखते होंगे, आप कोई जानवर कितने का लेके आए हैं, उसका इंश्योरेंस कितने का किया है, उसका बच्चा था, बछिया थी, उसका दूध कितना आ रहा है एक लैक्टेशन में, सेकंड लैक्टेशन में, आप उनको कितने का चारा खिला रहे हो, आप दूध आगे कितने का बेच रहे हो। तो जितना भी एक्सपेंसेस, कॉस्ट, जितना भी डेटा होता है आप इस छोटी सी ऐप पर सारा मैनेज कर सकते हो और एक ही क्लिक में आपको पता चल जाता है आपका फार्म फायदे में है या नुकसान में है। बस, मतलब अपनी गाय का नाम पे क्लिक करेगा तो उस गाय का रिकॉर्ड आ जाएगा। बिल्कुल, गाय का पिछला लैक्टेशन का रिकॉर्ड, इस लैक्टेशन का रिकॉर्ड, उसकी ब्रीडिंग, इंसेमिनेशन, इंश्योरेंस, वेट, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आपको बस हर दिन उसकी एक फीडिंग करनी है इस ऐप पे कि आप उस गाय को क्या क्या खाना खिला रहे हो या उस गाय का कितना कितना दूध निकल रहा है। तो क्या सर ये ऐप का कुछ पैसा देना पड़ता है या फ्री है? सर इस ऐप का कुछ पैसा देना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो और कितने महीने का ले रहे हो। मोबाइल में तो सर ऐप फ्री होगी ना? ये मोबाइल पे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें कोई मिल्किंग गाय ऐड करते हो तो उसका पैसा कंपनी चार्ज करती है। अच्छा। बाकी बच्चों का और बुल का कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, मतलब कुछ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका कोई पैसा नहीं है? जी जी। और ऐप प्ले स्टोर पर फ्री है? जी, डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री है ये ऐप। दूसरा, इस ऐप में अगर आपको कोई टेक्निकल समस्या आती है या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, तो इनके कंपनी वाले 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप उनको कभी भी फ़ोन कीजिए और आपको पूरी सहायता मिलती है। मैंने एक दो बार फ़ोन किया भी है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, तो बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाया जाता है और उसका फीडबैक कॉल भी होता है कि सारी चीज़ें सब अच्छी चल रही हैं कि नहीं।